महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर मची होड़, पुणे में फिर से लगे इस एनसीपी नेता के पोस्टर। पुणे में एक बार फिर अजीत पवार के भावी सीएम को दिखाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के पोस्टर लगे थे। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाने वाले बोर्ड मावल में लगा दिए गए हैं। इससे एक बार फिर अजीत पवार की चर्चा शुरू हो गई है। अजीत पवार आज मावल दौरे पर थे और बैलगाड़ी दौड़ में शामिल हुए। बताया जाता है कि मावल विधायक सुनील सेलके के कार्यकर्ताओं ने यह बोर्ड लगाया था। इससे पहले भी एनसीपी नेता अजीत पवार के कई पोस्टर लग चुके हैं, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया था। उनके पोस्टर पर अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जयंत पाटिल दे चुके हैं ये बयान। क्या राज्य के विपक्षी दल के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई है? ऐसा सवाल फिलहाल पूछा जा रहा है। हाल ही में एनसीपी सांसद अमोल कोले ने जयंत पाटिल की उपस्थिति में एक बयान दिया था कि जयंत पाटिल एक शिक्षित नेता है और उन्हें महाराष्ट्र राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जयंत पाटिल को भावी मुख्यमंत्री के रूप में उल्लेखित तख्तियों को केवल महाराष्ट्र ने देखा है। अजीत पवार का मावल दौरा। अजीत पवार मावल दौरे पर गए थे। उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण किया गया। पुराने पुणे मुंबई हाईवे पर अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाने वाले बोर्ड लगाए गए थे। वह भी उसी रास्ते से गुजरे। महाराष्ट्र के भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार के पोस्टर लगाए गए थे और वो जब आए तो उनका लोगों ने मावल तालुका में गर्मजोशी से स्वागत किया। मुंबई पुणे के बाद अब मावल में भी अजीत पवार के मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।